ये रहा वो हेयर कलर जो मैं यूज कर जाजांग्म्यान जाजांग्म्यान जाजा नहीं जाजांग जाजांग्म्यान हाँ मैं बस इसको एंजॉय करूंगी। हेलो गाइस, अरे एक मिनट कहाँ पे आप लोग? अच्छा वेट, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट्स वाइली गर्ल एंड आई ऑब्वियसली। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है हमारा न्यू ईयर फाइनली आ गया है और या आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और आई होप कि आपका ये वाला साल पिछले साल से बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा है एंड आपके सारे गोल्स और ड्रीम्स फुलफिल हो। सो या इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो आज की वीडियो कुछ भी प्लान नहीं है गाइस, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं क्या होने वाला है। जो भी आपको आज की वीडियो में दिखेगा सब कुछ लाइक गोइंग विद द फ्लो टाइप्स वाला ही होने वाला है। सो या अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ एंड या पहले सबसे पहले ना आप रात का ब्लॉग देखो जाके, जो रात में हमने केक कटिंग वगैरह करी थी, तो पहले आप वो जाके देखो, जाओ वो देखो। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट और साथ में केक भी लेने, तो हम लोग रात में क्या करने वाले हैं मम्मी? केक कटिंग है ना, रात तक केक कटिंग करने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं केक लेने और सब्जी की शॉपिंग करने। इस चीज लाने में बहुत बुरी उतनी सी, ये देख लीजिए कितना भारी। हम जो केक लेकर, मतलब मैं जो केक लेकर आई ना, अभी खुशी को दिखाते हैं, खुशी का रिएक्शन देखते हैं उसका कैसा लगा। वैसे मैंने, मेरे को और मम्मी को जो सही लगा हम वो लेकर आए, तो अब खुशी को दिखाते हैं कि जो हम केक लेकर आए उसको कैसा लग रहा है। सो ये रही खुशी, हमेशा खाते हुए कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए चाहिए। ये देखो, ये अभी बस, ये बस सोचा इतना है, ये देखो सारा मैं नहीं खाऊंगी ठीक है। ये देखो, झूठ मत बोल। ये गाइस, इसने मुझे तो बोला है कि ये मत खाना, ये चाय के साथ। और चाय चल, अच्छा तो मैंने ये खा लिया। चलो केक देखते हैं, बेचारी पढ़ रही है, पेपर है, बेचारी का पेपर है, पढ़ रही है, मगर मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ना। इसकी वजह से गाइस, इसकी वजह से आप बाहर नहीं जा पाए और अब देखो हमारा न्यू ईयर कैसे बनता है। फिर पेपर में पता चलता ना। चलो पेपर वैसे भी तो मेरा, ओके ओके, इतना अच्छे कुछ करना। वी विल लेट इट गो दिस टाइम। क्या लिखा है? अच्छा क्या लिखा है? अच्छा हाँ, वो भैया ने यही वाला अपने आप ही दे देते हैं भैया, चाहे कुछ भी हो। अरे नहीं, हैप्पी न्यू ईयर दिया है। ओके, मुझे लगा भैया ने हैप्पी बर्थडे वाला दिया, क्योंकि हर बार वो यही दे देते हैं हैप्पी बर्थडे वाला। सो और हम एक ही जगह से लेते हैं। हाँ गाइस, पर इस सुन तो यार केक बस एक और था वहाँ पे। ये यहाँ पे क्या हो रखा है? क्या, अरे हिल गया होगा थोड़ा भाई, थोड़ा कम कर रखा है इन्होंने। है जो कि बहुत प्रीटी लग रहा है। डोंट टच, डोंट टच। सो कैसा लगा? जब खाऊंगी तो बताऊंगी। अच्छा नहीं, नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं, भूखी तो जब तक तू ले, नहीं 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 मैं लेके जा रही हूँ। तेरी तेरी, ओ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। चलो गाइस रख देते, देखो मम्मी तुमने अच्छे से नहीं देखा था, देख लो अब। ये लो, ये लो मम्मी अपनी सब्जियों को निहारते हुए, कैसा लग रहा है मम्मी बता दो। बहुत अच्छा, पक्का अच्छा लग रहा है। चलो फिर रख देते हैं गाइस अब फ्रिज में। तभी भैया लेकर आया बर्गर, तो हम खाएंगे बर्गर। आओ मोमोज है, तो मोमोज कौन से, वेज है? नहीं नॉन वेज है। पूछ उसके भाई, कुछ वही होगा भैया। मोमोज वेज है कि नॉन वेज? मस्त लग रहा है। शिट, क्या है, क्या है? मुझे नहीं पता भैया। धीरे धीरे मोमोज खा लिए, कौन से चिकन वाले? तब जाके पता चलेगा कौन से मोमोज है।
अरे हाँ, कितनी बार बोलू। अरे वो होगा ना सोयाबीन होगी। सोयाबीन वाला है। कितने गिने? उससे क्या फायदा, एक तो खा ही लिया है। इसमें अपना फेवरेट वाला बर्गर ट्राई करने वाली हूँ। ये वाली शॉप का मेरा फेवरेट है। जल्दी बोलो। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं ये ट्राई करूँ। मतलब नाम को खाती हूँ। शॉप का नाम बता दे। हो गया। मुझे शॉप का नाम नहीं पता, मुझे पता है कि कहाँ पे है वो। तो मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत ही मस्त बर्गर बनाते हैं। तो मैं भी आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी है। मम्मी रेडी होके आ गई हैं। अभी तो रेडी। अभी मुंह क्यों धुला है मम्मी तुमने? कि मम्मी की लिपस्टिक ऐसी लगी हुई थी, मम्मी ने 12 बजे लगाई। लग रही थी। नहीं एक मिनट, इतना कुछ ज्यादा ही ब्लश लगा लिया मम्मी आज। फाइनली हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, 12 बज गए। सो सबको हैप्पी न्यू ईयर। होप कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, जो पिछले साल गया उससे कई ज्यादा अच्छा, और आपकी सारी होप्स, आपके सारे ड्रीम्स, आपके सारे गोल्स पूरे हो जाए। सो या, और अब हम केक कट करते हैं। We wish you a new year. So yeah. बस 3 go. गिर जाएगा केक। उसको सुला रही है। हैप्पी हैप्पी बिग बिग न्यू ईयर। उसे ये लगा लो। खाओ। मम्मी की लिपस्टिक खराब हो जाएगी। ऐसे खा रही है, बिल्कुल टच नहीं हुई लिप्स में। फाइनली इट्स योर टर्न। मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग भी हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मैं आपसे मिलूंगी मॉर्निंग में। सो गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी बोलो हैप्पी न्यू ईयर। गुड नाइट। द नेक्स्ट डे। सो गाइस आई होप कि आपने जो मेरा रात वाला व्लॉग है वो देख लिया होगा। मतलब छोटा सा था, आपने बस नॉर्मल सिंपल सा केक कटिंग वगैरह करी थी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो आज का प्लान जो है वो मेरा, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लाइक इतने टाइम से जो मैं प्रोकेस्टिनेट कर रही थी कि मैं अपने हेयर कलर करूँ कलर करूँ कलर करूँ, और जो कि मैंने पता नहीं कितने मंथ से हेयर कलर ला के रख दिया था, तो फाइनली मैंने सोचा है क्यों ना मैं आज कलर कर ही लूँ। सो आज हमारा 1 जनवरी 2024, पहले साल का पहला दिन। गाइस आप सबने मेरी जो हेयर कट वाली वीडियो थी उसको बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और ऐसे ही जो मेरे आने वाले ब्लॉग्स है उसको भी इंजॉय करना और बहुत सारा प्यार देना। सो या, उसी के साथ हम बढ़ते हैं। सो जैसे कि आपने देख रखा है मेरे बाल लाइक पूरे गीले हैं, मतलब वॉश मैंने आज करे अपने बाल अच्छे से। सो मैंने सोचा भाई आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है अपने बाल कलर करने का, लेकिन यस घर में किसी को नहीं पता है। और फिर बंदे जैसे कि आप देख सकते हैं इस रूम में मैं ही हूँ। सो घर में किसी को नहीं पता है कि मैंने ये कुछ सोचा है ऐसा। खुशी को पता है कि हाँ मैं हेयर कलर लेकर आई हूँ, लेकिन वो उसको इतने मंथ्स हो गए रखे हुए कि अब तो वो उसने भी सोचना छोड़ दिया कि मतलब मैं कलर करने वाली हूँ। क्योंकि मैं सोच रही थी करूँ करूँ करूँ, फिर आपको पता ही है कि मतलब पापा आ गए थे, फिर कुछ कुछ चीज़ें होती होती थी ऐसे डिले होता रहा। तो मैंने सोचा आज से बेटर दिन और कोई नहीं हो सकता, और हम लोग मम्मी का रिएक्शन भी लेंगे। पिछली बार भूल गए थे लेना, मतलब रिएक्शन लिया था बट हमने रिकॉर्ड नहीं करा था वो हेयर कट वाली वीडियो में। बट इस बार हम प्रॉपर रिएक्शन लेंगे मम्मी का, जो मेरा हेयर कलर है उसका, और भी शाम को कुछ होने वाला है। सो या, उसको मिस आउट मत करना। चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा हेयर कलर यूज़ करने वाली हूँ। ये रहा वो हेयर कलर जो मैं यूज करने वाली हूँ, ये हमारा स्ट्रीट का वाइब्रेंट रेड कलर। यस, इसके आप देख सकते हो। सो या, हम होने वाले हैं रेड रेड। यस, सो उससे पहले मैं अभी नहा के आई, तो मैंने अभी अपना स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं किया। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपना स्किन केयर, और उस स्किन केयर की प्रॉपर वीडियो चाहिए तो वो मैंने मतलब अपने शॉर्ट्स में प्रॉपर डाली हुई है, जो मेरा प्रॉपर अभी विंटर रूटीन चल रहा है। सो वो देख लेना आप, अगर आपको मेरा स्किन केयर देखना है मॉर्निंग का। ठीक है, तो मैं पहले अपना स्किन केयर करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आपको वैसे आप सोच रहे होंगे कि क्यों अभी तक न्यू ईयर का ब्लॉग नहीं आया है। तो गाइस, फर्स्टली हमने न्यू ईयर के दिन ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेशल प्लान नहीं था इस बार हमारा।
तो हमने सोचा देखते हैं क्या प्लान होगा, बट खुशी के एग्जाम चल रहे थे तो हमने सोचा बाहर नहीं जाते, और वैसे भी दिल्ली में इतना ज़्यादा ठंड हो रहा है कि मतलब बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है भाई इतनी ठंड हो रही है, इतना कोहरा दे रखा है। तो हमने सोचा कि चलो घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। सो या वैसे भी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, जा नहीं सकते थे बाहर, तो फिर इस बार अभी मैं ना एक चीज़ लेकर आई हूँ। हाँ क्या, अभी मैं थोड़ा टाइम पहले कुछ मार्ट गई थी तो मैं वो लेकर आई कोरियन नूडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है। वो हमारी ब्लैक बीन सॉस कुछ नूडल है उसकी, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ ब्लैक बीन सॉस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जा रही हूँ अभी किचन से लेकर आती हूँ, किचन में रखती हूँ तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो आज हम लोग वो ट्राई करने वाले हैं और लेट्स सी कि उसका टेस्ट कैसा होता है। वैसे तो इससे पहले जितनी मैंने ट्राई करी वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी निकली है मेरे लिए, मतलब मुझे कमेंट्स आए थे लोगों की इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, बट आई डोंट नो व्हाई गाइस, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहती है वो कोरियन नूडल्स। तो लेट्स सी कि ये वाली जो हम ट्राई करने वाले हैं वो मेरे लिए स्पाइसी ना हो और उसका टेस्ट कैसे होने वाला है। जैसे कि मैंने वीडियोज़ में देखा है वो पूरी ब्लैक होती है, पूरी ब्लैक कलर की, सो आई एम एक्साइटेड एंड काइंड स्कैर्ड कि वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बस ये मैं सोच रही हूँ। सो यहाँ हम लोग वो ट्राई करेंगे। अभी मैं नॉर्मल अपना स्किन केयर वगैरह कर रही हूँ, नहा के आगे स्किन केयर करूँगी एंड या फिर मैं आपसे। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखा रही हूँ अभी नूडल्स लेकर आती, जो मैंने बोला था कि हम लोग ट्राई करने वाले वो वाली, बट फिर मैं खाना खाने लगी थी। सो या मैंने भी खाना खा लिया है, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस नूडल की बात कर रही थी। तो गाइज वो है ये वाली नूडल हमारी, ये क्या है, जाजांगमियान ही है क्या है जाजांगमियान, हाँ जाजांगमियान 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 जाजा नहीं जाजांग जाजांगमियान, हाँ हाँ तो ये जाजांगमियान, हाँ ये वाली नूडल है मतलब पूरी ब्लैक होती है एंड या ये हमारी वेजिटेरियन है, हमने देखा था ना इसमें, हाँ ये हमारी वेजिटेरियन है। तो या गाइस हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं हम ट्राई करेंगे या। और मैंने आपको जो बोला था हेयर कलर का, जिसके लिए मैंने आपको दिखा भी दिया था कि मैं ये वाला हेयर कलर करने वाली हूँ, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, बट एज यू नो कि थोड़े से बच्चे जो हम पढ़ाते हैं तो वो आने वाले हैं, तो मुझे लगता कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर पाऊँगी, ये हेयर कलर भी और बच्चों का, क्योंकि इसको कम से कम हमें 1 आवर के लिए तो रखना ही पड़ेगा, तभी तो हमारे कलर आएंगे अच्छे से। तो फिर खुशी ने बोला है कि हम लोग आज नहीं कर सकते, सो या हमारा प्लान फ्लॉप हो रहा है, तो आज नहीं हो पाएगा हमारा हेयर कलर। सो लेट्स सी कि मैं कल करती हूँ, अगर मैंने करा कल तो मैं ऐड कर दूंगी इसी व्लॉग में, और अगर नहीं करा तो समझ जाना कि दूसरी वीडियो आएगी क्लियरली, ठीक है, हेयर कलर करने की, जो कि पक्का आने वाली है, क्योंकि ये मैं क्यों किस लिए लेके रखा, मैंने करूँगी मैं हेयर कलर, ठीक है, इस रेड कलर आपको मेरे रेड रेड बाल देखने में मिल जाएंगे। सो या उसके लिए वेट करना, अगर कल मतलब इस वाले व्लॉग में नहीं आया तो ठीक है, तो वेट करना। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को, क्योंकि अभी बच्चे आएंगे तो बच्चों को हम पढ़ाने वाले, तो हम दोनों आपसे मिलेंगे शाम, ठीक है, चलो गाइज बाय, मैं आप सबसे शाम को मिलती हूँ फिर, ठीक है। और अगर आपको मेरे बाल कुछ ज़्यादा ऐसे बाउंसी बाउंसी दिख रहे हैं तो फिकर नॉट, क्योंकि अभी मैंने वॉश किया इसलिए। और मैंने जो हेयर कट की वीडियो डाली थी, देखो अभी कुछ टाइम पहले डाली थी, और मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे आप लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि शॉर्ट हेयर शॉर्ट हेयर, तो अभी देखो इतने हो गए, तो देखो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर हेयर कलर की वीडियो लाऊंगी तो शायद मैं उसमें अपने हेयर कट भी कर लूँ। सो या वेट फॉर दैट वन गाइस, और अभी मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। सो गाइस अभी हम आ गए किचन में और फाइनली थोड़ी सी भाई शाम हो गई, और बच्चे आज मैंने कुछ ज़्यादा देर बच्चों को पढ़ा दिया है तो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। तो अब हम बनाने वाले नूडल्स, सो लेट्स सी कि मैं कैसे बनाती हूँ वाली नूडल्स, वो थोड़ी सी अलग है, वैसे मैंने ट्यूटोरियल देख ली है तो मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ। सो या लेट्स फॉलो मी। सो गाइस आज हम ये बनाने वाले हैं, सो लेट्स मेक दिस। हमारी वेजिटेबल्स कट कर ली हैं जो कि है ये सारी। सो गाइस इस रामेन के साथ सिर्फ एक ही पाउच हमें मिला था, सो इसमें ही सब कुछ था, हाँ इसमें एक पाउच आया था, और पीछे आपके इंस्ट्रक्शंस भी हैं सो आप इजीली रीड कर सकते हो। सबसे पहले मैंने नूडल्स को बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो नूडल्स हमारी बॉईल हो रही थी अच्छे से, और आपको इन्हें सिर्फ 5 मिनट तक बॉईल करना है, उसमें ऐसा लिखा होता है इंस्ट्रक्शन में, बस एक दो मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, सो इतना माइंड मत करना। एंड फिर साइड में मैंने जो थोड़ी वेजिटेबल्स जो मैंने कट करी थी उनको सबको मैंने सॉटे कर लिया था, क्योंकि मेरा प्लान था कि जो भी सॉस हमें उसके साथ मिला था ना वो मैं इसके अंदर डालने वाली थी। फिर मैंने इंस्ट्रक्शन देखा और उसमें लिखा हुआ था जो वो पाउच है उसको हमें गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रखना है, तो मैंने क्या किया जो नूडल के अंदर से ही हमारा पानी था वो जो गर्म वाला था उसमें ही मैंने
वो पोर करके रख दिया, मतलब थोड़ी देर रख दिया था वो पैकेट की, वो थोड़ा गर्म हो जाए, और साइड में जो हमारी वेजिटेबल्स थी मैंने उसमें थोड़ा सा अपना धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाल दी थी, क्योंकि मैंने सॉस थोड़ा सा टेस्ट करा था और मुझे लगा कि वो उसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने डाल दिया था थोड़ा सा मिर्च अलग से। एंड यहाँ मैंने सॉस में पूरा पोर कर दिया है, एंड उसको आपको बस थोड़ी देर के लिए मिक्स करके थोड़ा हल्का सा पका लेना है, और फिर सारा आप नूडल में डाल देना। अपना धनिया का टेस्ट। सो गाइस, जैसे कि आपने देख ही लिया कि मैंने ये रामेन रेडी कर ली है, जो कि काफ़ी मतलब मस्त दिख रही थी मुझे, तो बस मैंने ना इसका थोड़ा सा बनाते टाइम सॉस ऐसे टेस्ट कर लिया था, तो मुझे ये उतनी ज़्यादा लाइक स्पाइसी नहीं लगी थी बिल्कुल भी, आई मीन बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगी। तो आपने देखा होगा वीडियो में, मैं थोड़ा और इसमें चिली ऐड कर लिया था, सो लेट्स सी कि ये कैसी टेस्ट करती है। सो अभी मैंने इसको मिक्स नहीं किया, तो मैं आपको मिक्स करके मैंने दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है। ये थोड़ी हमारी जो नॉर्मल ऐसे चाउमीन होती है, थोड़ा थोड़ा उसकी तरह टेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा उसका टिंट है, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा हल्का उसकी तरह वाइब कर रहा है ये, बट ये लग रहा है टेस्ट हमारी चाउमीन की तरह, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये बहुत गर्म भी है ना, तो मस्त मज़ा ठंडी में गर्म गर्म खाने का मज़ा। गाइस अब और क्या, अब और मैं बस इसको इंजॉय करूँगी। इसके थोड़े से नूडल्स ऐसा चुई से हैं तो अच्छे लग रहे हैं, और टेस्ट भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है, थोड़ा सा मीठे वाले साइड पे है, तो बोलूँगी अगर आपको स्पाइसी पसंद तो आप ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी डाल दें। वैसे आपने देखा होगा मैंने थोड़ा ज़्यादा घी डाला था, बट फिर भी ये स्पाइसी नहीं लग रहा है, तो यहाँ आप स्पाइसी और ज़्यादा डाल के खा सकते हो अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है। वैसे मेरे लिए सही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। सो या आई एम गोइंग टू फिनिश दिस गाइज, एंड या आई होप गाइज कि आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा होगा, और आज हमारा फर्स्ट चांस, सो मेरा तो हमने देख ही लिया कैसा था। वैसे हमारा हेयर कलर का जो प्लान था फ्लॉप हो गया, बट अभी के लिए फ्लॉप हुआ है, बट वो हमारा पक्का उसकी एक अलग वीडियो आने वाली है, सो वेट फॉर दैट। ठीक है, हेयर कलर की अलग वीडियो आएगी पक्का। ओके, तो या आज हमने ये नूडल इंजॉय करे, सो जो कि मुझे काफ़ी ठीक ठीक लगे पहली बार, नहीं तो इतनी बार मैंने कोई नूडल ट्राई करे, मुझे सब में सबसे ज़्यादा स्पाइसी लगता है, बट ये मेरे टेस्ट बर्ड्स के लिए काफ़ी सही है। सो खुशी, तुझे कैसी लगी वो नूडल्स जो हमने अभी ट्राई करी, जो कि हम फुटेज नहीं ले पाए इसके खाने का, सो कैसी लगी तुझे? स्टार्टिंग में तो चाउमीन जैसी लग रही थी, बट लास्ट में जो उसका एंडिंग टेस्ट था वो मुझे बिल्कुल बेकार लगा, पता नहीं क्यों। आफ्टर टेस्ट मुझे तो हल्का कड़वा कड़वा सा लग रहा था लास्ट में। अच्छा, बट वो इतना ही स्पाइसी थी जो कि हमें स्पाइस डालना पड़ा उसमें। नमक मेरे हिसाब से कम था, मुझे तो ठीक लगा। हाँ, नमक जिसको जैसा पसंद है उसके हिसाब से स्वाद अनुसार, तो मेरे लिए कम था, मतलब ओवरऑल मेरे टाइप की नहीं थी। ओके, तो मैंने इसीलिए एक ही बाइट खाया, उसके बाद टाटा बाय बाय। मुझे तो गाइस अच्छी लगी, जैसे कि आपने देख लिया, तो मेरे लिए थम्स अप था, और उसको अच्छी नहीं लगी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और या मैंने वो सब जो हमारा जो नूडल था वो ट्राई करा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप सब हैप्पी और हेल्दी रहे। सो या गाइस, आई होप दैट